केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार पर जल्दी ही म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षित करने का बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए सरकार बॉर्डर पर फेंसिंग लगवाएगी, साथ ही कहा कि बॉर्डर के जरिए म्यांमार से भारत में आवाजाही पर भी रोक लगाई जाएगी। गृह मंत्री शाह ने कहा कि म्यांमार के साथ ही हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है इस पर भी भारत सरकार पुनर्विचार कर रही है। अब आने जाने की सहूलियत को भारत सरकार बंद करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मई 2021 से असम पुलिस ने लगभग 13,560 ड्रग तस्करों को पकड़ा है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत 8,100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। भारी संख्या में नशीला पदार्थ पकड़ा गया है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब बड़ी संख्या में म्यांमार के सैनिक जातीय संघर्ष से बचने के लिए भारत की ओर भाग रहे हैं।